bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 capitano, portami via. जब कभी हमें ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होता है तो हम ये चेन पुलिंग कर देते हैं, इसको खींच देते हैं, जिस वजह से हम सुनते होंगे कि वैक्यूम हो गया, यानी उसकी हवा पूरी निकल गई, पाइप की हवा निकल गई, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वही हवा जो था ब्रेक को चक्के से दूर रखा हुआ था, अब जैसे चेन पुलिंग करते हैं पूरा हवा निकल जाता है, ये चक्का जाके चिपक जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हम चेन पुलिंग किसी एक बॉगी से करते हैं तो क्या पूरे बॉगी का हवा निकल जाता है कि केवल उसी बॉगी का हवा निकलने से उस बॉगी की ब्रेक अप्लाई होती है? ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा जो ट्रेन होता है वो एक ही फीडर पाइप और ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है, अर्थात कहीं एक जगह से आप चेन पुलिंग करेंगे तो उस लीकेज से पूरा हवा निकल जाएगा और पूरे बॉगी में, पूरी ट्रेन में एक साथ ब्रेक लगता है। आप एक लाइट देखे होंगे किसी भी बॉगी में, यहाँ पर इस शेप में एक लाइट लगा होता है, इस लाइट को हम बोलते हैं अलार्म चेन पुलिंग लाइट, यानी एसएपी लाइट के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या करता है, ये बताता है ये लाइट कि किस बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है, ताकि जीआरपी वगैरह को पता चल सके कि इसी बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है। साथ ही जैसे चेन पुलिंग होता है, लोको पायलट यानी ड्राइवर तीन छोटे छोटे हॉर्न बजाकर गार्ड, टीटी और जीआरपी के जवानों को बताते हैं कि चेन पुलिंग कर दी गई है ट्रेन की। तो वो बाहर निकल के देखते हैं कि अगर कोई अनावश्यक निकलता है तो उसे पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। चेन पुलिंग होने पर इसी प्रकार से तीन बार छोटे छोटे हॉर्न दिए जाते हैं।